और बड़ी खबर यह है, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई कि राजधानी कीव की सीमा पर रूसी सेना पहुंच गई है। तो राजधानी कीव जिसे सुरक्षित रखने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन कीव के सिटी सेंटर से 30 किलोमीटर की दूरी बस बची है। महज 30 किलोमीटर दूर है रूस की सेना, बड़ी खबर है इस वक्त की। तो राजधानी कीव के बेहद करीब है रूस के सैनिक और किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि महज 30 किलोमीटर का ये फासला बचा है। कर्नल राठौर, सिर्फ 30 किलोमीटर दूर कीव का, 30 किलोमीटर से नजदीक जिस तरीके के इंटरव्यूज हमने देखे हैं और उन्हें धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही, आपके करेस्पोंडेंट भी हैं, उन्होंने भी बोला है कि 7 किलोमीटर पे लड़ाई चल रही है। तो ये मैं तो समझता हूँ कि उससे ज़्यादा नज़दीक सेना पहुँच चुकी है। अभी जो सबसे बड़ी पशोपेश यूक्रेन की आर्मी और यूक्रेन की लीडरशिप को होगी, वो किस चीज़ की डिफेंस करें, यूक्रेन की डिफेंस करें या कीव की डिफेंस करें। अगर ये कीव की डिफेंस नहीं करते हैं तो बाहर से कोई अगर मदद आनी है तो फिर वो बेकार हो जाएगी। तो अभी उनका पूरा ध्यान मेरे ख्याल से कीव की डिफेंस पे होगा, और जिसके चलते लुगांस और डोनेस में जो कीव यूक्रेन की फौजें थीं वो मेरे ख्याल से वापस बुला करके कीव के चारों तरफ सबर्ब्स में लगाएंगे ताकि रशियंस को रोका जा सके। वो एक सिचुएशन आती दिख रही है, लेकिन नीपर नदी के पश्चिमी तरफ से रशियंस ने जो हमला किया था बेलारूस की तरफ से, वो बहुत कारगर सिद्ध हुआ है और वो उन्होंने दो एयरपोर्ट्स भी पकड़ रखे हैं, और उसी तरफ नीपर नदी के पश्चिमी तरफ में ही संसद वगैरह पड़ती है। ठीक है सर, खतरा है सर, हम इस पर आगे भी बात करेंगे। ABP News आपको रखे आगे।